तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा आप सब सेफ होंगे, घर पे होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस वेलकम है आप सभी का टेक एरो यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एक नई वीडियो को लेकर, जिसमें हम लोग बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे HTML और JavaScript से गेम्स बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे कि यहाँ पे हम लोग एक गेम के स्क्रीन पे आए हुए हैं गूगल पे, जो कि है ये जो गेम है गाइज, ये है आपका JavaScript से बना हुआ। ठीक है, ये गेम जो है JavaScript से बना हुआ। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग दूसरे गेम के बारे में, तो ये आपको देख सकते हो ये HTML का गेम है। ठीक है, तो काफ़ी मज़ेदार गेम्स है दोनों, आप देख सकते हो दोनों को बहुत मज़ेदार खेलने में है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है दोनों गेम्स में। तो चलिए पहले बात करते हैं इस गेम के बारे में। तो इसका नाम है गाइस पोंग गेम, जो कि आप लोग जानते होंगे। इसको कैसे खेलना है आपको मैं दिखा देता हूँ। सिंपली आप स्पेस की दबाओ, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे, मैं हार गया यार। देखो आप देखो, इस पे आवाज़ भी करती है काफ़ी अच्छी जो है। मैं सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दे दूंगा। और हाँ, इस दोनों जो गेम्स हैं, इन दोनों की जो कोड्स होती है HTML और JavaScript, दोनों कोड्स मैं दे दूंगा। और ये भी बता दूंगा कि आपको वो कोड को कैसे डालनी है, ताकि गाइस बहुत सारे जो कॉपी पेस्ट मेथड्स होते हैं उसमें बहुत सारे वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कैसे वर्क करेंगे वो लोग और कैसे करना है क्या। ठीक है, तो गाइस वीडियो पे बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप जान ही सकते हो कि JavaScript और जो होती है HTML, उसकी एक कोड मिस होने की वजह से पूरी जो गेम है वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले वीडियो के ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली गेम को कैसे बनाना है। तो इस गेम के लिए आप लोग को जाना होगा एक वेबसाइट पे, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और जिसका नाम मैं आप लोग जानते होंगे शायद, तो गाइस जिसका नाम है code.org। ठीक है, स्टूडियो code.org को आप लोग जानते होंगे अगर अच्छा है जानते हो तो, नहीं तो फिर आपको मैं बता देता हूँ, इससे जो है आप JavaScript की गेम्स बना सकते हो या फिर ऐप्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली से यहाँ पे साइनअप कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो स्पिरिट लैब, आर्टिस्ट ऐप लैब, गेम लैब और डांस पार्टी के साथ की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स पे जाके आप सारे देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, आप देख सकते हो। ये कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों की कोड आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। ठीक है, और बात कर लेते हैं अब हम लोग की हम लोग का ये गेम कैसे होगा। तो आप कलर वलर सब कुछ यहाँ से चेंज कर लोगे, साउंड कैसे चेंज करना है सारा चीज़ों को मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले कलर की बात करते हैं, तो ये मेरी अभी ऑरेंज दिखा रही है आपको। ठीक है, तो इसकी कलर कैसे चेंज करना है, तो सबसे ऊपर हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो फिल द कंप्यूटर स्क्रीन विथ वाइट कलर। ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड है आपको ग्रे ऑरेंज, यहाँ पे मैंने ऑरेंज डाला हुआ है। तो अब इसको येलो करेंगे हम लोग, देखो आप यहाँ पे येलो डालता हूँ। ठीक है, WLOW। ठीक है, यहाँ पे मैं येलो डाला, यहाँ पे रिसेट पे दबा लूँगा, अब यहाँ पे रन पे करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो सब कुछ येलो हो जाएगा। ठीक है, अब आप मैं अपने वो वाले वेबसाइट पे भी चला जाता हूँ और इसको रिलोड एक बार कर लेता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे रिलोड करेंगे जैसे ही, यहाँ पे येलो कलर का हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये वाली जो है आपको कैसी लगी, ये वाली कोड मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये वाली अगर आपको गेम अच्छी लगी हो, इसको आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको इसको म्यूज़िक चेंज करना है या फिर इसकी साइज़ वाइज चेंज करनी है, सब कुछ यहाँ से लेवल वेवल सब कुछ चेंज होएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने गेम किसी भी ऑडियो को लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेस द बॉल बैक बटन, यहाँ पे सारे चीज़ का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है HTTPS से आप जो है कोड यहाँ पे डालकर चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो है कोड डाल सकते हो। अब कैसे चेंज करना है, तो जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे मेरे को ये वाली गाने को बदलनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ तक पूरा MP3 तक जाऊँगा। ठीक है, MP3 तक सेलेक्ट कर लूँगा और कॉमास को मत हटाना, कॉमास को रहने देना। आपको पता होगा अगर आप वो JavaScript को यूज़ करते होगे, फिर यहाँ पे आप प्ले साउंड पे जाना। ठीक है, प्ले साउंड पे आप सी एग्जांपल्स पे क्लिक कर देना। तो सी एग्जांपल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको इस तरीके के इंटरफेस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे एक साइट वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ से आप काफ़ी सारे जो यहाँ पे म्यूजिक दिए गए हैं इन दोनों का, इन सबको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपने गाने पे इसको सिंपली से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और आपको हो जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी करो और जो आपकी म्यूज़िक है उस पर यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो मेरे को जो म्यूज़िक है एज़ यूजुअल मैं रहने दूंगा, मेरे को चेंज नहीं करनी है। उसी तरीके से आप सारी चीज़ों की यहाँ पे चेंज कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन, अभी हम पहली गेम। अब हम बात करते हैं दूसरे गेम के बारे में। तो दूसरी गेम है हमारी ये वाली गाइस, जिसका नाम है, ये भी पॉपिंग गेम ही है लेकिन ये बैडमिंटन टाइप का है। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार है ये गेम भी। तो अब इसकी कैसे बनानी है, तो इसकी भी मैं जो है कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको कैसे चेंज करना है सब कुछ यहाँ से मैं आप दिखा देता हूँ कि ये आपको, ये दूसरे साइट के, ये है आपको गाइस ये वाली P5 JavaScript वाली। ठीक है, तो P5 से आप यहाँ पे देख लो, इसकी भी कोडिंग काफ़ी ज़्यादा की है मैंने,
तो आप इसकी भी आप जो है कोडिंग करके आराम से कॉपी पेस्ट कर लो। आप सारी चीज़ों को यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आपको सब कुछ कर लेना है गाइस, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। P5P है ये वाली गेम, और याद रखना, और वो पोंग गेम थी वो है आपको studiocode.org की, ठीक है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और हाँ गाइस, एक और बात, यहाँ पे मैंने एक और गेम को बना के रखा है और एक कैलकुलेटर, ठीक है गाइस। तो ये गेम को कैसे खेलना है मैं आपको बता देता हूँ। इसको सिंपली इसको क्लिक करना है तो आपका एक इंसान आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करो, देखो यहाँ पे इंसान आ गया। अभी आप इसको चलाओगे, देखो आप यहाँ पे ये, ओके गाइस मैं मर गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाली गेम की अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर जावास्क्रिप्ट कोड चाहिए तो इसकी, और एक कैलकुलेटर भी मैंने बनाया है, तो कैलकुलेटर की भी अगर आपको चाहिए कोड स्क्रिप्ट तो मैं आपको वो अगले वीडियो में दे दूंगा। आपको बस कमेंट कर देना है कि हाँ मुझे चाहिए नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल कमेंट कर देना, सब्सक्राइब बेल वाले आइकन के दबाव पे ऑल पे सेट कर देना ताकि इसी तरह के वीडियोस आगे भी आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।